Hello dear students, welcome to KK Chauhan Vision. Now we are going to learn about the topic dispersion of light. इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण. जो प्रकाश है उसे हम सफेद प्रकाश कहते हैं. सफेद प्रकाश जो है वो सात रंगों से मिलकर बना हुआ है. जब यह प्रकाश की किरण किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास करती है तो ये सात रंगों में बट जाती है. प्रकाश का अपने सात रंगों में बटना उसे हम स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट कहते हैं. तो स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट में हम सात रंग पढ़ते हैं और याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसे हम विब ग्योर के नाम से याद करते हैं. विब ग्योर, तो वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो और ओ से ऑरेंज और आर से रेड कलर होते हैं. ये सात रंग हैं हमारे और इसे याद करने के लिए विद्योर. इस देखिए आप, ये प्रकाश की जो किरण है प्रिज्म में जा रही है. प्रिज्म क्या है? एक कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हम बोलेंगे. ये कांच का बना हुआ है. ये एयर से प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में जाती है, और क्योंकि यहाँ से ये माध्यम चेंज हो रहा है तो ये एयर है और ये ग्लास है. जब माध्यम चेंज होता है, मीडियम चेंज होता है, तो ये अपना इस ये रिफ्लेक्ट होती है, सॉरी रिफ्रैक्ट होती है और ये सात रंगों में बटती है. जब ये बाहर निकलती है तो हमें ये सात रंगों की पट्टी दिखाई देती है. इसे हम विब ग्योर अभी पढ़ा था. वी वॉयलेट और रेड ऊपर है. रेड कलर ऊपर होता है क्योंकि लाल रंग जो है उसकी वेवलेंथ कम है और ये सबसे कम डेविएट होता है. तो वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है रंग. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है उसमें सात रंगों की पट्टी हमें दिखाई दे रही थी, ऐसी ही स्पेक्ट्रम की पट्टी प्रिज्म के थ्रू भी बनती है. जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर में होंगे उनमें भी ऐसे ही बनेंगी, तो वाटर ड्रॉपलेट्स में भी ऐसे ही सात रंगों की पट्टी बनती है. क्या होता है, क्यों बन जाती है? कि जब प्रकाश की किरण एयर से माध्यम चेंज जब होता है, ग्लास में आती है या वाटर में आती है, तो उस वक्त जो किरण है जो बाहर निकलती है वो रिफ्रैक्टेड होती है और रिफ्रैक्टेड होने से वो कोण एक बनाती है. क्योंकि ये किरण बाहर निकल रही है, ये किरण आने वाली है. जो बाहर निकल रही है किरण वो आने वाली किरण के साथ एक कोण बनाती है जिसे हम डेविएशन कोण कहते हैं. ये डेविएशन कोण के आधार पर जो किरण है वो बाहर निकलती है और उसी आधार पर ये सात रंगों की हमें पट्टी मिलती है. जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा डेविएट हो रहा है, बड़ा एंगल बना रहा है और ये एंगल कम है. तो ये था हमारा प्रिज्म में से प्रकाश की किरण जब बाहर निकलती है वो सात रंगों में बटती है. प्रकाश का सात रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है. ये वर्ण विक्षेपण का एक और उदाहरण मैं यहाँ पे दिखाई हुई पिक्चर के द्वारा. तो वर्ण विक्षेपण में हमने पढ़ा कि सात रंगों में प्रकाश बट जाता है और ये सात रंग अलग अलग बट जाते हैं. ये वॉयलेट कलर जो है वो बॉटम पे है और रेड कलर सबसे ऊपर है. ऐसी सुंदर घटना जो इस वर्ण विक्षेपण की है वो हम अक्सर देखते हैं. जब बारिश आती है रेनबो बनता है. इस घटना की चर्चा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण. तो एक लाइन में आंसर हम अगर देना चाहें तो क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी ट्रांसपेरेंट माध्यम में एंटर करती है, उससे बाहर निकलती है, तो वो सात रंगों में बट जाती है. प्रकाश का ऐसे सात रंगों में बटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है. और ये होगा प्रिज्म के थ्रू या वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा, या घरों में जब हम वॉशिंग करते हैं तो जो सर्फ की ड्रॉपलेट बनती है उससे भी हम वर्ण विक्षेपण देख सकते हैं. इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज या नोट्स, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. यू कैन ऑल्सो लाइक माई फेसबुक पेज, दैट इज KK चौहान. थैंक यू.